सभी गार्जियंस को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि 21 दिन के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन किया हुआ है और इसमें सभी स्कूल्स, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादातर संस्थाएं, यहाँ तक कि रेलगाड़ियाँ, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स सभी बंद किए हुए हैं। अभी आज हमारे जो बच्चे जो स्कूल में उनका नया सत्र, नया सेशन शुरू होने वाला था 1 अप्रैल से, अचानक उनकी क्लासेस, उनके रिपोर्ट कार्ड्स, ये सब स्थगित हो गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है सब कुछ। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो जब भी स्कूल दोबारा से खुलेगा तो आपको वापस मिलने वाले हैं। और जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिली है तो सभी बच्चों को प्रमोटेड कर दिया गया है नेट क्लासेस में, यानी जो फर्स्ट पे था वो सेकंड में, जो एट्थ पे था वो नाइन्थ में। तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन से विदाउट एग्जाम, जो हमारे एग्जाम भी 2 एग्जाम या 3 एग्जाम भी बच्चों के रह गए थे, तो वो सभी बच्चे एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन अगली क्लासेज में प्रमोट कर दिए गए थे। उनके रिपोर्ट कार्ड्स जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो उनको मिल जाएंगे। स्कूल का जो प्रांगण है, स्कूल की क्लासेस, स्कूल की बेंचेस आज बच्चों को बड़ा मिस करती हैं, उनकी किलकारियों को मिस करती हैं, उनकी स्क्वीजिंग को मिस करते हैं हम लोग। लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है इस बीमारी कोरोना को बढ़ने से रोकने का। कोरोना के संक्रमण से अगर हम बचना चाहते हैं तो बच्चों को 4 दीवारी के अंदर रखें, उन्हें इंडोर गेम्स में व्यस्त रखें, उन्हें स्टडी कराएं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। कोरोना से बचने के लिए समय समय पर अपने घर के अंदर साबुन और पानी से हाथ धोएं 20 सेकंड तक। अगर आपके घर में किसी को खांसी बुखार है तो दूसरे व्यक्तियों के, जो परिवार में दूसरे व्यक्ति रहते हैं उनके संपर्क में थोड़ा कम रहें। और जब भी हम स्क्वीजिंग या कफिंग यानी छींकते हैं या खांसते हैं तो अपने हाथ में या तो हमारे पास हैंकी होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए, या फिर हमने अपनी इस कोहनी को ऐसे करके खांस सकते हैं जिससे जो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, मुंह से हमारे जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंचे। अगर वो उनके संपर्क में आ गया तो दोनों बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं पहले से ही जो मुंह की छींक से, श्वास से, उनके संपर्क में आने से वो फैलती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है दोबारा से कि छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को 4 दीवारी के अंदर रखें, उन्हें प्यार से समझा के, और स्कूल उनके बारे में बड़ा चिंतित है और आप लोग भी, उनके माता पिता हैं, आप लोग तो ज़्यादा चिंतित होंगे। और जैसा कि CBSE से इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुई है कि बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलानी है, क्योंकि अगर बच्चों को घर पे ऐसे ही छोड़ दिया गया, उन्हें वो ऐसे ही खाली रहे घर पे, तो बच्चा है, बच्चे का मन होता है वो धीरे धीरे भूल जाता है सब कुछ। तो जैसा कि हमें अभी हम सोच रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस चलाने की, इसके पास आपके पास जो स्टूडेंट्स के क्लास टीचर्स हैं वो कॉल करेंगे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन होमवर्क दिया जाएगा। तो मेरा ये आप सबसे गुजारिश है कि इस सब में हमारा सहयोग करें और सपोर्ट करें ताकि बच्चे स्टडी में पीछे रह सके। तो एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए घर में ही रखना है, घर से एक भी कदम बाहर नहीं निकलने देना है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।